नमस्ते, मैं डॉक्टर अपार अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग लंग्स फिजिशियन एट आर्टस लंग्स क्लिनिक मेरठ। ब्रोंकाइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स, यानी सांस की नलियों में सूजन आ जाने को ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। इसमें खांसी आना, खांसी के साथ म्यूकस प्रोडक्शन यानी फ्लेम आ जाना और छाती में भारीपन या दर्द जैसे सिम्टम भी हो सकते हैं। गले में इरिटेशन महसूस देती है। ब्रोंकाइटिस दो प्रकार का होता है, अक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस में यूजुअल कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, जो बदलते मौसम में आप और हम सुनते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, गला पकड़ लिया, गले में खराश हो गई, जा नहीं रही। तो जो अक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो थोड़ा कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक खिंच जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो यूजुअली अक्यूट ब्रोंकाइटिस सिंपल डेली प्रिकॉशंस जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉइस को ओवर एग्जर्ट ना करना, गले को हाइड्रेटेड रखना, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट या मल्टीविटामिन्स का सब्स्टिट्यूट करना और कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हम एक अच्छा ट्रीटमेंट अटेन कर सकते हैं। और अगर आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर को लगता है कि ये बैक्टीरियल है तो ही हम एंटीबायोटिक का यूज़ करें, नहीं तो अननेसेसरली एंटीबायोटिक लेके सादी खांसी में अपने आप को ड्रग रेजिस्टेंस ना बनाएं। सेकेंड टाइप की होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो मेन और मेजर एग्जाम्पल है वो है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। वो इंडिविजुअल्स या वो पेशेंट्स जिसमें खांसी और बलगम बहुत लंबे समय से जाता ही नहीं, या हम ये कहें कि साल में 2 से 3 महीने तक वो परेशान रहते हैं और कम से कम 2 से 3 साल हो गए इस बीमारी को जूझते जूझते, तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में आता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ़र्क होता है, जैसे कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, म्यूकोलिटिक्स और सम लोजेंजेस जो थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ कराते हैं। तो ब्रोंकाइटिस एक बहुत ही कॉमन शब्द है हमारे समाज में, लेकिन अगर हम उसको सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे कि वेदर इट इज़ अक्यूट और वेदर इट इज़ क्रोनिक, तो सही ट्रीटमेंट हम गेन नहीं कर पाएंगे। अपने लंबे समय की खांसी, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, गले में खिचखिच खराश, अगर ओवर द काउंटर मेडिसिन से आपके घर में छोटे मोटे सिनरेस्ट या एंटीबायोटिक से नहीं जा रही है, कंसल्ट अ पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट टू फाइंड द राइट डायग्नोसिस एंड द राइट ट्रीटमेंट, ताकि आप स्वच्छ रहें, हेल्दी रहें, अपने परिवार के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। थैंक यू।